गणेशोत्सव की शुरुआत भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से होती है और चतुर्दशी तिथि तक भगवान गणेश की पूजा की जाती है। गणेश जी की मूर्ति चतुर्थी तिथि को स्थापित की जाती है और विसर्जन चतुर्दशी तिथि को किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि मूर्ति का विसर्जन करने से भगवान फिर से कैलाश पर्वत पर पहुंच जाते हैं, इसलिए स्थापना से भी अधिक महिमा विसर्जन की होती है। इस दिन अनंत शुभ फल की प्राप्ति होती है, इसलिए इस दिन को अनंत चतुर्दशी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान भक्तों की हर मनोकामनाएं पूरी करते हैं, इसलिए गणेश विसर्जन से पहले कुछ ऐसे काम हैं। इस दिन भगवान भक्तों की हर मनोकामनाएं पूरी करते हैं, इसलिए गणेश विसर्जन से पहले कुछ ऐसे काम हैं जो भक्तों को जरूर करना चाहिए। धर्माचार्यों के मुताबिक इस दिन विसर्जन से पहले गणेश जी की विधिवत पूजा करनी चाहिए। पूजा के समय उन्हें मोदक और फल का भोग लगाएं। इसके साथ ही गणेश जी की आरती करें। आरती के बाद गणपति से मनोकामना करें और उनसे विदा लेने की प्रार्थना करें। पूजा स्थल से गणपति जी की मूर्ति को सम्मान पूर्वक उठाएं, पटरे पर गुलाबी वस्त्र बिछाएं और प्रतिमा को उस पर धीरे से रखें। लकड़ी के पटरे को पहले गंगा जल से पवित्र जरूर करें। गणेश जी की मूर्ति के साथ फल फूल वस्त्र और मोदक रखें। थोड़े चावल गेहूं और पंचमेवा रखकर पोटली बनाएं। उसमें कुछ सिक्के भी डाल दें। उस पोटली को गणेश जी की प्रतिमा के पास रखें। अब गणेश जी की मूर्ति को किसी बहते हुए जल में विसर्जित कर दें। गणपति को विसर्जन के लिए ले जाते समय कुछ बातों का जरूर ध्यान रखें। वो ये कि उनका मुख घर की ओर होना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि घर की ओर पीठ रखने से भगवान गणेश नाराज हो जाते हैं। गणेश विसर्जन से पहले गणपति बप्पा से जीवन में सुख समृद्धि बढ़ाने की प्रार्थना करें और जाने अनजाने में हुई किसी भी गलती के लिए उनसे क्षमा मांगें। विसर्जन से पहले भगवान की आरती जरूर करनी चाहिए और प्रिय वस्तुएं अर्पित करनी चाहिए। पूजा के दौरान अर्पित की गई चीजों को भगवान के साथ ही विसर्जित करना चाहिए। भगवान गणेश से अगले वर्ष आने की कामना करनी चाहिए। गणपति बप्पा को शुभ मुहूर्त में ही विदा करना चाहिए। तो चलिए जान लेते हैं कि इस बार गणेश विसर्जन का शुभ मुहूर्त क्या है। पंचांग के अनुसार गणपति विसर्जन के लिए पहला मुहूर्त सुबह 9:11 से दोपहर 1:47 तक रहेगा। दोपहर का मुहूर्त 3:19 से लेकर 4:51 तक है। शाम में 7:51 से 9:19 तक तीसरा मुहूर्त है और चौथा मुहूर्त रात 10:47 से लेकर 18 सितंबर को रात 3:11 तक है। कहते हैं शुभ मुहूर्त में ही विसर्जन करने से पूजा का पूरा फल मिलता है। तो कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी धर्म कर्म से जुड़ी तमाम जानकारियों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा डिजिटल चैनल और देखते रहिए न्यूज नेशन स्तुति। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।